परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148 12। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अग्नि जैन, अशोक विहार, पेस एक, दिल्ली। कभी ये ख्यालात मत बनाना कि सिर्फ हम अपने पति के साथ अपने परिवार के साथ रहेंगे। आज कहीं भी औरतें जाती हैं और कोई पूछे कि किसके साथ है, बोले हमारी फैमिली आई है। समझ गए कौन होते फैमिली में, हम दो, हमारे दो। हमने कि वो बुढ़े माँ बाप नहीं होते तो तुम कहाँ से आते। हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बुजुर्गों के पास कम से कम आधा घंटे जरूर बैठो। वो दुआएं मिलेंगी, वो आपको काबिलियत मिलेगी, क्योंकि उनके अनुभव आपको मिलेंगे। और हर माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहता। जो आप निर्णय लेंगे और आपके पिताजी निर्णय लेंगे, वो आपके भविष्य को सोच कर लेंगे, आप लेंगे वो भावुकता में निर्णय लेंगे। आप अपने जीवन में यहाँ से सिर्फ विद्या अध्ययन करने के साथ अपने जीवन को विद्या का मंदिर बनाकर जाइए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ आपको शाब्दिक ज्ञान नहीं करना है, आपको अपने जीवन में कितना महान बनना है हर कार्यों में। यदि आप नौकरी करती हैं तो वहाँ ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि जहाँ भी आप काम करती हैं, जहाँ भी जो भी काम मिलता है, उसमें आज से यदि आपको आदत होगी कि नहीं अपन तो छुट्टी मार लो, काम नहीं करो, दो नंबर का काम करो, तो ये चोरी बेईमानी की आदत आगे भी जाएगी। लोग कहते हैं कि कन्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कही दुनिया में जितने चबूतरे सतियों के मिलेंगे, इतने सत्ता के एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। औरत इतने व्रत करती है पति की लंबी उम्र के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पत्नी ने करवा चौथ के दिन कहा कि तुम हार ला के दे रहे हो या व्रत तोड़ो, यानी औरत व्रत तोड़ दे तो पति की जान को खतरा। लेकिन मैं यही कहूंगी, कभी रक्षाबंधन हो या करवा चौथ, भाई से हो या पिता से हो या पति से हो, कभी आशाएं मत रखना, क्योंकि तुम कन्या हो। और कहते हैं कन्या है धन धूप साथ अपना जिसका काम, सुबह पिता के गांव में शाम पति के ठाम। कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। आपने देखा होगा नवरात्रि के बाद रावण के जो भी दशहरे पे लोग रावण दहन करते हैं। मैंने यही सोचा कि ये देवियां हैं, जब देवियां प्रकट हो जाएं तो फिर रावण जैसा अनाचारी नहीं रह पाता है। देवियां वो शक्ति होती हैं जो दानवों का संहार कर देती हैं। ऐसा नहीं, रावण बहुत ज्ञानी था, पंडित था, लेकिन सोच कर देखना, जब मरणासन्न डला था
और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कुछ शिक्षा लेकर आओ। वो कहने लगे वो अभिमानी बोलता ही नहीं। कहने लगे तुम कहाँ खड़े थे? कहने लगे मैं उनके पास खड़ा था। बोले खड़े कहाँ थे? बोले जब कोई बोलेगा तो मैं सिर के पास खड़ा था। रामचंद्र जी ने कहा तुम पैरों के पास जाकर खड़े हो, कुछ सीखना है तो झुकना सीखो। आपको पता है आजकल कोई आता है तो आप क्या करते हैं? बाय बाय। जाते टाइम हम चरण छूकर अभिवादन करते थे बड़े लोगों का, और बड़े लोग हमारे सिर पर आशीष देते थे कि खूब फूलो फलो, खूब पढ़ो लिखो, खूब ऊंचे महान बनो। आजकल कोई जाता है तो हम हाथ से बाय बाय करते हैं। कोई आता है तो बोलते हैं हेलो। हमने कही हला काय को, रे बैठने तो दे बेचारे को। जब कोई आता है तो बोले हाय। हमने कही देखते ही किसी को हाय हाय क्यों कर रहा? बदनसीबी होती है, हाय का मतलब होता है बदनसीबी। जब आपके घर कोई आता है बोले चाय लाओ चाय लाओ। हमने कही राम राज में हलुआ पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। आप तो शुद्ध दूध भी नहीं पीता आदमी। जब भी कोई आता बोले चाय बिस्कुट ले आओ बिस्कुट। हमने कहे बिस्कुट जिसमें कूट कूट कर भरा हो, बरसों का बना हुआ वो बिस्कुट हो, फिर भी खा लेते तुम लोग। एक दिन की रोटी दूसरे दिन नहीं खा पाते? बोले नहीं हम नहीं खाएंगे बासी रोटी। सोचो वो बिस्कुट जो खाएगा तो अमृत कहाँ से उगलेगा? पहले हलवा पूड़ी खाते थे, खीर पूड़ी खाते थे, अब डोसा खा रहे हो तुम्हारे दिमाग को भूसा कर देगा। ढोकला खा रहे तुम्हारे दिमाग को खोखला कर देगा। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था 40 किलोमीटर चला जाता था, अब आदमी डबल रोटी खा रहा है 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। जब कोई जाता था तो हम अभिवादन करके हाथ जोड़कर बोलते थे पुनः कब पधारेंगे। अब कोई जा रहा तो हम हाथ हिला के कहते बाय बाय। हमने कही सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। आप ध्यान रखना बाय बाय। एक बाय नाम की बीमारी होती है, ठंडी में हो जाती, बहुत हाथ पैर दुखते हैं। तो आप उसे आशीर्वाद दे रहे कि तुझे बाय बाय हो गया। आपको कोई नहीं चाहिए तो आप हाथ से ऐसे से करते हो ना, उससे कह रहे हो कि अब की तो आ गया, अब की मत आइए। आप सोचो ये बिल्कुल ये पद्धतियां हम कोई इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ो, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति की गरिमा रखो कि हमारे यहाँ, क्योंकि तुलसी जी भी कहते हैं आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी बान जाए कंचन बरसे में। कैसा अभिवादन होना चाहिए? चार मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। कि चार मिले 64 किले, 2 आंखें आपकी और 2 आंखें सामने वाले की मिले तो खुशी दौड़ जाना चाहिए। 32 दांत आपके और 32 सामने वाले के, 64 प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। 30 करोड़ रोम आपके और 30 करोड़ रोम सामने वाले के पुलकित हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। और 20 उंगलियां जुड़ जाएं, 10 आपकी और 10 सामने वाले की, सही अभिवादन की प्रक्रिया है। आप बड़े लोगों के पैर छूने में शर्म महसूस मत कीजिए, क्योंकि पहले अपने माँ बाप के पैर छूते थे। लोगों को माँ बाप के पैर छूने में शर्म आती है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ता पाल रहा है। पहले लोग माँ बाप की आज्ञा लेकर जाते थे, अब माँ बाप को पूछने में डर लगता है। ये हमारी शिक्षा को मैं शिक्षा नहीं मानती हूँ, इस शिक्षा को अभी साफ मानती हूँ। यदि हम भारत में रहने वाले प्राचीन लोगों के, आदर्श लोगों के, हम अपने जिनको देवता मानते, कोई भी किसी भी मजहब का हो, आप देखिए राम ने अपने पिता की आज्ञा के लिए वनवास चले गए, और सब पूछो क्रोध करके नहीं गए, कलेश करके नहीं गए, सहर्ष चले गए। आज हम भी भौतिक चीजों को, जड़ पदार्थों को, सिर्फ रुपए पैसों को सब कुछ नहीं समझे। मम्मी पापा से मत कहिए कि मुझे मोबाइल दिला दीजिए, बल्कि सच पूछो मोबाइल ने, क्योंकि अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और उंगलियों पर जहां है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहां है।
प्यार से भरी आत्मा कहाँ है? आज भी आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। हमारे घरों में बात बात पर रोज त्योहार हो जाते थे, सब मिलकर भोजन बनाते थे और मिलकर घर पर भोजन होता था। आजकल मिलकर लोग होटल जाते हैं, होटल अपने आप में कहता है हो थोड़ा भी होश हो तो टल जा, हॉस्टल अपने आप में कहता है होश है तो टल जा यहाँ से, क्योंकि तेरी संस्कृति नहीं बचेगी। तो आप सबको बेटियां हो, आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जब भी कभी खाना खाने की बात आए, आप चाट पकौड़ी खाते हो, क्या करते हो, खड़े खड़े पत्ता चाटते हो। मैंने कही चाट तो चाट जाओगे, अगले जन्म में पत्ता ही बचेगा खाने को। इसलिए कोशिश करें, हमारी भारतीय पद्धति है, जब हम भोजन करें तो अपने परमात्मा का नाम लेकर, उनके नाम से कि आपके नाम से हम भोजन कर रहे हैं, इस भोजन को भजन में, भद्रता में, हमारे परिवार में सुख शांति में परिवर्तित कर देना। जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो जो भी जिस परमात्मा का नाम लेता है, अपने परमात्मा का नाम 9 बार लीजिए और उतनी देर के लिए बेकार की बेवजह की, आप समझ गए, दिमाग को आज कचड़ा खोखला कर देते हैं। अच्छे कहीं पोस्टर लगे हो तुम्हारी नजर एक बार भी नहीं जाती, गलत पोस्टर हो दिन में 4 बार नजर जाती है। तो आप सब यही ध्यान रखेंगे कि हम अपने जीवन में अपनी भारतीय संस्कृति को, क्योंकि ये भारत भारत रहे, भारत का आदर्श रहे। और आप सभी बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग बहुत संस्कारित हैं, वरना 4 महिलाओं को चुप कराना बड़ी मुश्किल की बात होती है। और आप यहाँ इतनी बच्चियाँ बहुत शांत और व्यवस्थित बैठी है, इसका निश्चित है कि आप लोगों का भविष्य बहुत ऊंचा होगा। और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमारा यही आशीर्वाद कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले, आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, और खास कर आपको पता है, जब आपका ख्याल कहीं भी चला जाए तो आप अच्छे से उस मन से भोजन नहीं कर सकते। जब भोजन करने बैठे तो कम से कम मोबाइल तो सभी बच्चियां, और आप पढ़ने जब बैठते हैं उतनी देर को मोबाइल बिल्कुल हटाकर अलग रख दीजिए। मैं गारंटी से कहती हूँ कि अभी आप नहीं याद होता होगा, सिर्फ 1 महीने के प्रयास कीजिए, आपको याद होने लगेगा। और जब आप भोजन करने बैठते हैं, बिल्कुल भोजन करें तो भोजन में मन लगा कर करें, और क्रोध में बच्चे आज नियम लेकर जाएं कि अपने माँ बाप पर कभी भी गुस्से से बात नहीं करेंगे। वो यदि चीज नहीं दिला पाए, आपकी फरमाइश से पूरी नहीं कर पाए, तो ये भी देखिए कि वो आपको नए कपड़े दिला देते हैं। वो कितने सामान्य तरीकों से रहते हैं, कितनी मजबूरी में आपको पालते हैं, आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। इसलिए आपने एक मुस्कान देने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं है, पापा को आपको पता है कि घर की परिस्थिति नहीं है, तो फ्रेंड सर्कल के मत देखिए कि उसके यहाँ मोबाइल आया, उसके यहाँ स्कूटी आई तो मुझे भी चाहिए, बल्कि पापा से कहो कि पापा कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप तो अपने आराम से रहिए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119013002429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 0012100। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117277, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 01901333249, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।